हेलो डियर स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू राहुल इंग्लिश स्टडी। नाउ वी डिस्कस मोस्ट इम्पॉर्टेंट फादर एंड फाउंडर्स। टुडे डियर फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक फ्रेंड्स डियर स्टूडेंट्स सपोर्ट करिएगा। और ये हमारा चैनल हमेशा के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो फ्रेंड्स, समय को ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर किसको कहा जाता है? फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर तो ये कहा जाता है लिंडले मुरे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट मॉडर्न ड्रामाटिस्ट किसको कहा जाता है? ग्रेटेस्ट मॉडर्न ड्रामाटिस्ट तो ये कहा जाता है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को कहा जाता है ग्रेटेस्ट मॉडर्न ड्रामाटिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ विक्टोरियन एज। रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ विक्टोरियन एज ये किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन को। किसको कहा जाता है? लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन को। लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन को रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ विक्टोरियन एज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोइट ऑफ ब्यूटी किसको कहा जाता है? तो पोइट ऑफ ब्यूटी जॉन कीट्स को कहा जाता है। पोइट ऑफ ब्यूटी जॉन कीट्स को कहा जाता है। क्या कहा जाता है जॉन कीट को? पोइट ऑफ ब्यूटी। फ्रेंड्स, मैं कोशिश करूंगा कि ये आपको अभी इसी वक्त ही याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोइट ऑफ होप एंड जनरेशन किसको कहा जाता है? तो ये पर्सी बैसी सैली को, यानी पीबी सैली को। किसको कहा जाता है? तो ये पीबी सैली को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीबी सैली को पोइट ऑफ होप एंड जनरेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स, लैक ऑफ पोइट किसको कहा जाता है? तो लैक ऑफ पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ को कहा जाता है। लैक ऑफ पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन, पोइट ऑफ नेचर फॉर विलियम वर्ड्सवर्थ कन्फर्म हो गए होंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट, हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर विलियम वर्ड्सवर्थ को। और अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन, तो वर्शिपर ऑफ नेचर किसको कहा जाता है? तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ को कहा जाता है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ को क्या क्या कहा जाता है, किन किन नामों से पुकारा जाता है? तो लैक ऑफ पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ, पोइट ऑफ नेचर विलियम वर्ड्सवर्थ, हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर विलियम वर्ड्सवर्थ, वर्शिपर ऑफ नेचर विलियम वर्ड्सवर्थ को कहा जाता है। तो ये फ्रेंड्स, आई होप दैट कि आप ये 100% याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टेन पर को डिस्कस करेंगे। तो ब्लाइंड पोइट ऑफ इंग्लैंड किसको कहा जाता है?
तो जॉन मिल्टन को कहा जाता है किसको, ब्लाइंड ऑफ पोइट इंग्लैंड, किसको कहा जाता है, ब्लाइंड पोइट ऑफ इंग्लैंड जॉन मिल्टन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ब्लाइंड ऑफ पोइट सॉरी ब्लाइंड ऑफ सॉरी ब्लाइंड पोइट ऑफ इंग्लैंड जॉन मिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन को रिलेट कर लें, जैसे ब्लाइंड पोइट ऑफ इंग्लैंड मतलब जॉन मिल्टन, तो वैसे वो भी कैसे हो गए थे, ब्लाइंड हो गए थे, तो इसलिए ब्लाइंड पोइट ऑफ इंग्लैंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोइट ऑफ ब्यूटी, पोइट ऑफ ब्यूटी किसको कहा जाता है, पोइट ऑफ ब्यूटी ये कहा जाता है जॉन कीट्स को। पोइट ऑफ ब्यूटी किसको कहा जाता है, जॉन कीट्स को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बून ऑफ हेवन, बून ऑफ हेवन हेवन किसको कहा जाता है, मदर टेरेसा को। बून ऑफ हेवन मदर टेरेसा को बून ऑफ हेवन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फादर ऑफ फ्री वर्स, फादर ऑफ फ्री वर्स किसको कहा जाता है, वाल्ट विटमैन को कहा जाता है, वाल्ट विटमैन को फादर ऑफ फ्री वर्स कहा जाता है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर TGT, PGT एंड LT ग्रेड एंड अदर एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश पोइट्री, फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश पोइट्री किसको कहा जाता है, तो निजिम एस्किल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, निजिम एस्किल को फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15, मुल्क राज आनंद ऑफ अमेरिका, मुल्क राज आनंद ऑफ अमेरिका किसको कहा जाता है, तो ये आर्थर मिलर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, आर्थर मिलर को मुल्क राज आनंद ऑफ अमेरिका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्रिटिक्स किसको कहा जाता है, तो विलियम हैजलिट को, तो विलियम हैजलिट को क्रिटिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17, फादर ऑफ ह्यूमैनिज्म किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है फ्रांसिस्को पैट्रार को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ ह्यूमैनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, 18 नंबर, फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल ये हेनरी फील्डिंग को कहा जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन फादर ऑफ इंग्लिश सॉनेट, थॉमस वाइट को फादर ऑफ इंग्लिश सॉनेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पोइट ऑफ टेरर किसको कहा जाता है, तो पोइट ऑफ टेरर रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पोइट ऑफ टेरर्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाउंडर ऑफ टच स्टोन मेथड मैथ्यू अर्नोल्ड को कहा जाता है। किसको, मैथ्यू अर्नोल्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन पोइट्स पोइट किसको, स्पेंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल सर वाल्टर स्कॉट को फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फादर ऑफ ऐसे, तो ये कहा जाता है मोंटेगी यानी मोंटेंगी मोंटेंग टैंक मोंटेग्नी सॉरी मोंटेग्नी तो क्या कहा जाता है, फादर ऑफ ऐसे, स्पेलिंग की दृष्टि इसको याद करें मोंटेग्नी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज
प्रोस किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है किंग अल्फ्रेड को। किंग अल्फ्रेड को फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ मॉडर्न थिएटर, फादर ऑफ मॉडर्न थिएटर किसको कहा जाता है? तो ये हैनरिक इब्सेन को, हैनरिक आइब्सेन को क्या कहेंगे? फादर ऑफ मॉडर्न कहा जाता है। नेक्स्ट, फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे, फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे फ्रांसिस बेकन, फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे फ्रांसिस बेकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन, इंडियन नेशनल पोइट, इंडियन नेशनल पोइट रविंद्रनाथ टैगोर, इंडियन नेशनल पोइट रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ एपिक पोइट्री, फादर ऑफ एपिक पोइट्री किसको कहा जाता है? तो होमर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ इंग्लिश वन एक्ट प्ले, फादर ऑफ इंग्लिश वन एक्ट प्ले सैमुअल जॉनसन, सैमुअल जॉनसन को फादर ऑफ इंग्लिश वन एक्ट प्ले कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये 30 क्वेश्चन थे जिनको हमने डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स अधिक से अधिक सपोर्ट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।